Hello students, we are live now. This is Hari Singh Chauhan. और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तांडा पब्लिक स्कूल पॉडकास्टिंग में. आज हम पढ़ेंगे बैंक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है. आप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मान लो आप अपने कान्हा पब्लिक स्कूल की कैंटीन में गए. आप वहाँ से एक पैन लेके आए. आप 10 रुपये का एक पैन लेके आए और आप अपनी क्लास में आए और आपने अपने दोस्त को उसे 15 रुपये में दे दिया. तो आप लेके कितने के आए थे? 10 रुपये का आप लेके आए थे. 15 रुपये का आपने अपने दोस्त को दे दिया. तो आपको बेनिफिट कितने रुपये का हुआ? 5 रुपये का. यानी ये तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है. और अगर आप 10 रुपये का कोई सामान लेके आए और आपने 8 रुपये में दे दिया, तो आपको लॉस कितने रुपये का हो गया? 2 रुपये का आपको लॉस हो गया. ये इसे बोलते हैं हम लॉस, ठीक है. अब आप देखें यहाँ पे, इफ SP इज ग्रेटर देन CP, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, है ना. यानी हम कम में खरीद के लाए और ज्यादा में हमने बेच दिया तो हमारा प्रॉफिट होगा. और प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे? SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है. इफ CP इज ग्रेटर देन SP देन लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. अगर CP की वैल्यू ज्यादा है, SP की वैल्यू कम है, तो हमारा लॉस होगा. और लॉस हम कैसे फाइंड करेंगे? CP माइनस SP, ठीक है. अब हमें क्वेश्चन में पूछ लेंगे प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करें. प्रॉफिट परसेंट को हम गेन परसेंट भी बोलते हैं. गेन परसेंट भी बोला जाता है प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100. इसी तरह आप लॉस परसेंट कैसे निकालोगे? लॉस परसेंट आप निकालोगे लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100. तो लॉस परसेंट फाइंड हो जाएगा. हाँ, अगर लॉस परसेंट पूछे तो आपको पहले कितने का लॉस हो रहा है ये निकालें. तो लॉस आप कैसे निकालोगे? CP माइनस SP, ठीक है. उसके बाद अब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया हो. इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो कि हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट दिया हो और आपको CP फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है. सेलिंग प्राइस गिवन हो क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, तो आप CP निकालोगे SP मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है. इन केस ऑफ लॉस परसेंट अब आप लॉस परसेंट में CP निकालोगे, कॉस्ट प्राइस निकालोगे, आपको SP दिया जाएगा क्वेश्चन में, लॉस परसेंट मिलेगा क्वेश्चन में और आपको CP फाइंड करना है. तो फाइंड करोगे SP मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट आपको CP दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है क्वेश्चन में और आप SP फाइंड करोगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे CP मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. अब आपको इन केस ऑफ लॉस परसेंट गिवन है, CP गिवन है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो आप SP फाइंड करोगे CP मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है. तो ऐसे हम फाइंड करेंगे. बेटा प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और CP क्वेश्चन में मिलेगा, आप जब आप एक क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. सर लिखे नहीं है अभी. ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखें, इसमें CP गिवन है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 112 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 132.
आपको बताना है, गेन बताना है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ। आप किसी वस्तु को 112 रुपए में खरीद के लाए और आपको आपने उसे 132 रुपए में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ ना। इसमें एसपी की वैल्यू सीपी की वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपको इतना प्रॉफिट हुआ वो बताना है। सर हो गया, हो गया, वेरी गुड। हम निकालेंगे एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी 132 माइनस 112, 132 में से 120 आंसर। 20 आंसर हो गया, 20। सर 20 का प्रॉफिट हुआ। तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको सीपी गिवन है, सीपी गिवन है, एसपी गिवन है, आपको प्रॉफिट पूछा जाए, तो कर दो एसपी माइनस सीपी, ठीक है। ये देखो एक बार, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 120 और सेलिंग प्राइस दिया है 90 रुपीज, आपको लॉस फाइंड करना है। आप किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीद के लाए और आपने उसे 90 रुपए में बेच दिया, 90 रुपए में आपने बेच दिया, है ना। यानी हम ज्यादा में खरीद के लाए थे और कम रुपए में हमने बेच दिया, तो हमें लॉस हो गया, हानि हो गई हमें। तो लॉस कैसे फाइंड करेंगे, तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 30। कितने रुपए का लॉस हो गया, 30 रुपए का, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इसका गलत था। अब अगले का क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन पढ़े, एन आर्टिकल वाज बोट फॉर 650 रुपीस एंड सोल्ड फॉर 728। हम एक वस्तु को 650 रुपए में खरीद के लाए, कितने में खरीद के लाए, 650, 650 रुपए खरीद के लाए और हमने इसे 728 728 रुपए में बेच दिया, तो अब हमें बताना है हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, नहीं पहले आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, पहले आप इसको प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालो या गेन परसेंट निकालो, एक ही बात है, ठीक है। कई जगह गेन परसेंट लिखा होता है, कई जगह प्रॉफिट परसेंट लिखा होता है। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी की वैल्यू है हमारी 728, हमने उस वस्तु को 728 रुपए में बेचा है, तो जो एसपी की वैल्यू है वो 728, सीपी की वैल्यू है 650। 728 में से 650 माइनस करो, देखो 8 माइनस 0 और देखो 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, आंसर आएगा इसका प्रॉफिट आएगा 78, प्रॉफिट आएगा 78। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, आपको हमेशा सीपी पर ही निकालना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाले जाते हैं, चाहे लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, डिवाइड में सीपी ही करना है। हाँ दे रहे हैं, प्रॉफिट है 78,
सीपी की वैल्यू क्या है बताओ? 650 मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। देखो एक जीरो से और अब ये देखो 78 और 65 जो है, 78 और 65 जो है वो आपको 30 टेबल में मिलेंगे। 13 की टेबल में 78 कितने पे आता है? 6 आ जाता है सर। 5 की टेबल में 65 कितने पे आता है? 5 पे। और देखो 5 की टेबल में 10 कितने पे आता है? 2। तो 5 से 10 कट हो जाएगा 2। अब 6 2 जा 12। 12% यानी हमारा प्रॉफिट, हमारा सही है। हां वेरी गुड, प्रॉफिट सर हमारा भी, सर हमारा भी 12%। सर आपने जितने कमाए सर मेरे सवाल से सर हमारे भी। अब हमने एक क्वेश्चन तो क्या हमने पढ़ा हुआ है, अब हम करेंगे लॉस परसेंट का क्वेश्चन। ओके सर, ध्यान दें इस क्वेश्चन में राज बोल के साइकिल 690 रुपीज, राज ने साइकिल 690 रुपए में खरीदी है, ठीक है, 690 रुपए में साइकिल खरीद के लाया है एंड सोल्ड इट फॉर 655.50 और उसने 655.50 रुपए में साइकिल को बेच दिया। अब देखो 690 रुपए में तो लेके आया, ये 690 रुपए में लेके आया, 655.50 रुपए में बेच दी उसने। अब आप ये बताओ इसमें से सीपी जो है, सीपी की जो वैल्यू है वो है 690, एसपी की जो वैल्यू है वो 655.50, यानी वो खरीद के ज्यादा में लाया, उसने बेचा कम में, यानी उसे लॉस हो गया, है ना, नुकसान हो गया। तो लॉस तो पहले आप इसको लॉस फाइंड कर दो, लॉस आप कैसे फाइंड करोगे? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। सीपी की वैल्यू क्या है? 690 और एसपी वैल्यू है 655.50, ठीक है। आपको इन दोनों को माइनस करना है, देखो आप कैसे माइनस करोगे, 690 में से 690 में से 655.50 को आप माइनस करोगे, देखो 690 में तो पॉइंट है नहीं, है ना, तो आपको डेसिमल का ही ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आनी चाहिए, ऊपर डेसिमल है नहीं तो आप पॉइंट लगा के जीरो जीरो लगा सकते हो, अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट है ना, माइनस करो, चलो जीरो में से जीरो माइनस करो, जीरो में से फाइव माइनस नहीं होगा, यहाँ से आप कह ये नहीं सकते, यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा ए, ठीक है, यहाँ हो जाएगा टेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइन, टेन माइनस फाइव क्या होता है? फाइव। नाइन माइनस फाइव क्या होता है? फोर। एट माइनस फाइव क्या होगा? थ्री। और सिक्स माइनस सिक्स जीरो, जीरो लिखने की जरूरत आपको है नहीं, तो आपका लॉस आया 34.50 रुपीज, ये आपका लॉस हो गया, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस और सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो लॉस से आपका 34 भाग कर, सर इतना इजी क्वेश्चन था, भाग कर देते हैं इसको। सर देखो लॉस परसेंट, आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 बताओ लॉस, लॉस की वैल्यू 34.50, लिखो यहां पे 34.50,
CP CP की वैल्यू 690 मल्टीप्लाई बाय 100 सर कोई और दो चीज लगा देंगे सर कोई और बदले 100 बना देंगे देखो आप एक चीज एक ये देखो 100 से 100 कैसे पॉइंट के बाद डिजिट बताओ कितने तो सर 2 हां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डिवाइड में 100 डाल